हो, फिर ये नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस बहराइच की, जहां भेड़िए के डर से जी रहे लोगों को निजात तो मिल गया, लेकिन उन घरों का क्या जहां आंगन सूने पड़ गए। मासूमों का चेहरों पर भेड़ियों का निशान हमेशा हमेशा के लिए छप गया। जहां दर्द से करहा रहे हैं, यानी जिंदगी को उजाड़ने वाली तबाही आई, चली गई लेकिन पीछे छोड़ गई कभी ना भरने वाले ये जख्म। जब हमारी टीम न्यूज वन इंडिया वहां पहुंची तो इस भयावह घटना के बारे में गांव वालों ने जो बताया उसे सुन आप भी सहम जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने तो कड़े निर्देश दिए हैं और उनके मामला जब उनकी चौखट तक पहुंचा है तो उन्होंने पूरे सरकारी अमले को, पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। क्या लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री जी ने चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन लेकिन उनका पकड़ लेने जाए, जो और जल्दी पकड़ लेने जाए, रात भर जागो सुबह काम ना के मिलते हैं, कब सौ कपड़ा करोगे, यहाँ बहुत बहुत परेशानी है। आपका क्या मानना है? हमारे मानना है कि प्रशासन भी हमारे साथ है, माननीय विधायक जी हमारे साथ हैं और हमारे ग्राम सभा के लोग, 4 किलोमीटर इनका घर दूर है। जब घटना घटी है, जब इनको सूचना मिली है 4:30 बजे से, तब से निरंतर हमारे साथ लगे हुए हैं। क्या माहौल है, किस तरह से लोग दहशत के साए में? माहौल ये है कि लोग सो नहीं पा रहे हैं और हम प्रशासन को भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारे साथ लगे। भेड़िया है, कोई आदमी है नहीं कि उसको पकड़ लिया जाए तुरंत। घर के बच्चों को घर के अंदर लिटाया जा रहा है, विधायक जी द्वारा भी दौरा किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा भी दौरा किया जा रहा है। हम लोग भी लाठी डंडा के साथ गांव को घूम रहे हैं, गांव के बाहर घूम रहे हैं, कुछ टीम भी हमारे गांव में लगी है जो बाहर घूम रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, लेकिन एक डर भरा हुआ है अंदर कि कभी भी किसी पे भी हमला कर सकता है, डर भरा हुआ है। क्या कहना है आपका? जैसे इसका जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, पकड़ा जाए और क्या किया जाए। किस तरह से लोग सारे गांव पर से हम लोग घेरा लगाते रहते हैं और क्या करते रहते हैं। 3 बजा हुआ है, रात का 3 बजा हुआ है और आप लोग जाग रहे हैं, लाठी लेकर घूम रहे हैं। अब जैसे बच्चे हैं घर में छोटे, डर तो रहेगा ही है। जैसे हम लोग मान के सो जाए, अगर कहीं से आ जाए, लाइट भी नहीं है, फिर इसके बाद अगर बच्चे को उठा के ले, फिर क्या करेंगे हम लोग, घूमते रह जाएंगे। इस करके दहशत सा मचा हुआ, यानी डर है। मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए, निर्देश दिए सब हमारे साथ, तो प्रशासन भी साथ दे रहे हैं हम लोगों का। अब इसके बाद में आके कोई अगर इंसान है तो पकड़ा जाए, जानवर है, कहीं छिप जाता है, कभी कैसे रहता है वो जानवर है। ये देखिए लाठी लेकर के ये जो है घूम रहे हैं, क्या है, क्या नाम है आपका? कमलेश है? कमलेश, लाठी लेकर घूम रहे, क्या है मामला? हम साहब अपन बच्चे बचाई थे, कल परसों 2 रोज से थी, आज 3-4 बजे सोए थे सुबेरे, बाकी हम डंडे रहे खरीदी थे यहाँ से और डांडे पड़ता, कही देखो दादा हमारे साथ मारे हैं, इनके साथ हम गए हैं और हम सीधी खरीद के यहाँ हल्ला हुआ कि यहाँ आई गए, फिर यहाँ चारों तरफ गांव के रहेगी देखो दादा और सब जने मिलकर ढूंढा गया, अब इधर से थी इधर चला गया, उधर से फिर हाकिन, फिर इधर आ गया, इधर से थी फिर इधर का चला गया। भेड़िया निरंतर गांव में आ रहा, निरंतर गांव में आओ था, चिन्मा 10 मिनट के लिए इधर आ गया, 10 मिनट के लिए उधर चला गया, 10 मिनट के लिए उधर चला गया, अब किधर किधर हम लोग अपन अपन गाँव बचाए रहे, इका जल्दी से जल्द पकड़ा जाए। 90 गांव प्रभावित है। हाँ। वहीं रात रात भर जागकर गांव में लोग पहरा देने को मजबूर थे, अपने बच्चों और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अंधेरा होने के बाद घर के बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। कई बार लोगों ने भेड़ियों की गतिविधियों का मोबाइल में वीडियो भी बनाया था। उसके बाद जब तक वन विभाग की टीम पहुंचती, भेड़िए गन्ने के खेतों में भाग जाए। गाँव वालों की हिम्मत बढ़ाने के लिए बहराइच की महसी सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी अपने समर्थकों के साथ लाइसेंसी बंदूक लेकर भेड़ियों की खोज में निकले। उनके समर्थकों के पास भी मॉडर्न हथियार थे। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार वो बंदूक लेकर क्यों निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बंदूक का प्रदर्शन लोगों में विश्वास जगाने के लिए, ना कि कानून हाथ में लेकर खुद से वन्य जीवों की हत्या की। विधायक ने कहा कि वो 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर लोगों के ऊपर खतरा है तो वे बंदूक के साथ खुद निकलकर लोगों को भरोसा दे रहे हैं
कि वे सुरक्षित। लोगों को उकसाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे लोगों के वन्य जीवों की हत्या के लिए नहीं उकसा रहे हैं, बल्कि इंतजार कर रहे हैं कि वन विभाग इन भेड़ियों को पकड़ ले, अन्यथा सर से पानी ऊपर जाएगा तो कुछ भी खुद से कर सकते। जिले के औराही गांव से भेड़ियों के आतंकी, उनका कहना है कि ड्रोन कैमरे में चार भेड़ियों को ही देखा गया। तो देखा जाए जिस तरह से भेड़ियों को पकड़ना वन विभाग के लिए एक चुनौती थी, वो अब कहीं ना कहीं हल हो चुकी हो। बहराइच के जो लोग हैं वो राहत भरी सांस अब ले सकेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ बने।